Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge of automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all students in Basics of Mechanical Engineering first subject. Today we will discuss about perfect guess. In the last section, we have seen zeroth law of thermodynamics, ushmagatiki ka shunyava niyam, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मगतिकी का प्रथम नियम और वी हैव सॉल्व्ड सम न्यूमेरिकल्स. सो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी परफेक्ट और आइडियल गैस आदर्श गैस. इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी परफेक्ट और आइडियल गैस आदर्श गैस क्या है, लॉज ऑफ परफेक्ट गैस आदर्श गैस के नियम, गैस इक्वेशंस गैसों के समीकरण, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस एंड वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑल्सो. परफेक्ट और आइडियल गैस या आदर्श गैस दोनों एक ही चीज़ें हैं, परफेक्ट गैस या आइडियल गैस. परफेक्ट गैस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज एवोपरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट. जैसा हम सभी जानते हैं कि सब्सटेंस की स्टेट्स तीन रहती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस. तो परफेक्ट गैस जो है वो आदर्श गैस पदार्थ की अवस्था है जिसमें उसका द्रव अवस्था से पूर्ण रूप से बाष्पीकरण होता है. यदि कोई भी सब्सटेंस है और उसका लिक्विड से गैस में पूरी तरीके से या कम्प्लीटली एवोपरेशन हो जाए, पूर्ण रूप से बाष्पीकरण हो जाए, तो उसको हम परफेक्ट गैस कहते हैं. इफ़ एवोपरेशन इज पार्शियल द सब्सटेंस इज कॉल्ड वेपर. यदि आंशिक रूप से बाष्पीकरण हो तो उसे हम वाष्प कहते हैं, परफेक्ट गैस नहीं. परफेक्ट गैस और इट ओबेज ऑल द गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये परफेक्ट गैस या आदर्श गैस के लिए कंडीशन है कि यह ताप एवं दाब की समस्त परिस्थितियों में गैस के सभी नियमों का पालन करती है. नो रियल गैस ओबेज द गैस लॉज ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. कोई भी वास्तविक गैस ताप एवं दाब की समस्त सीमाओं में गैस के सभी नियमों का पालन नहीं करती है. गैसेस विच आर डिफिकल्ट लिक्विड, ऐसी गैसेस जिनका द्रवीकरण करना कठिन होता है, जैसे लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ओबेज गैस लॉज विद इन सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. यह ताप एवं दाब की निश्चित सीमाओं में गैस के सभी नियमों का पालन करती हैं. यहाँ पर भी देखिए आप, ये एंटायर रेंज में नहीं करती, सर्टेन रेंज, कुछ निश्चित सीमाओं में गैस के सभी नियमों का पालन करती हैं. देयरफॉर मे बी रिगार्डेड एज परफेक्ट गैस, इसलिए इनको आदर्श गैस माना जा सकता है. इस प्रकार से हमने आदर्श गैस के बारे में जाना, पहले परिभाषा कि जिसका वाष्पीकरण पूर्ण रूप से हो जाए और विच इज एवोपरेट कंप्लीटली from liquid state. And suppose if evaporation is partial, then it is not perfect gas, but it is vapor या बाष्प हम उसको कहेंगे. दूसरी condition ये थी कि it obeys all the gas laws under all conditions. और ऐसा कोई भी gas वास्तविक रूप में होती नहीं है जो entire range of pressure and temperature पर gas के नियमों का पालन करे. But कुछ gases हैं जिनको liquidify करना कठिन होता है, उनका द्रवीकरण कठिन होता है, वो कुछ निश्चित सीमा के ताप एवं दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन करती हैं, इसलिए हम उनको परफेक्ट गैस कहते हैं. तो इस स्लाइड में एक चीज़ आई, गैस लॉज. तो आगे हम चलते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जिनका वो गैस पालन करना चाहिए जिससे कि वो आदर्श गैस के समीप पहुँच सके. तो यहाँ पर तीन नियम हैं आदर्श गैस के, लॉज ऑफ परफेक्ट गैस. पहला है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम, चार्ल्स लॉ और गेलुसेक लॉ. आइए अब हम इन तीनों नियमों के बारे में जानें. पहले नियम हम बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हैं. इन तीनों नियमों में एक चीज़ है कि हम तीन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रेशर दाब, टेम्परेचर ताप और आयतन. इन तीन में से हम किसी एक को फिक्स कर देंगे और दो के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं. जैसे कि बॉयल के नियम में परम दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम. जो परम दाब होता है किसी भी
परफेक्ट गैस की संहति का, वो इसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेरी इन्वर्सली, यानी कि यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। व्हेन द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, जबकि तापक्रम स्थिर हो। अब इसको हम गणितीय रूप में या मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखिएगा आप यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हेन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी है, कैपिटल टी एब्सोल्यूट या परम ताप कहलाता है, जिसको हम केल्विन में नापते हैं, यदि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो उसमें हम 273 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में हो जाता है। यदि टी इक्वल टू कांस्टेंट तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/v। अब इसमें प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं समानुपाती का तो हम लगाते हैं इक्वल टू, तो उसके साथ आता है कांस्टेंट, तो पी इक्वल टू सी अपान वी या पी इंटू वी बराबर सी, सी इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारा वायल का नियम है, यानी मैंने पहले कहा था कि इन नियमों में तीन प्रॉपर्टीज ली गई हैं, दाब, आयतन और ताप, उसमें से हम एक को स्थिर रखते जाएंगे, दो में संबंध देखेंगे। तो वायल के नियम में हमने ताप को स्थिर रखा है, तो जो दाब होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इसका मतलब हमने इस रिलेशन निकाला पी बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू वी, या प्रेशर, दाब और आयतन का गुणनफल जो होगा वो वायल का नियम है। हम दूसरा नियम देखते हैं, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम यह कहता है कि पहले में हम रख रहे हैं, तो दाब को स्थिर रखेंगे तो हमें संबंध किसके बीच में देखना है, आयतन और परम ताप के बीच में। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि आदर्श गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके परम तापक्रम के समानुपाती होता है, यानी यदि आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, जबकि दाब स्थिर हो, व्हेन द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। फिर से हम इसको देखते हैं मैथमेटिकली से, व्हेन पी इक्वल्स टू कांस्टेंट then V is directly proportional to the T, फिर से हम directly proportional का या समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो equal to लगाने के साथ एक constant आएगा C, यहाँ से हम T को नीचे ले आए तो V upon T equals to क्या होगा, निश्चित। पहले वाले केस में प्रोडक्ट था प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट, यहाँ पर रेशियो है वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, इसको हम चार्ल्स का नियम कहते हैं। तीसरा है गेलुसेक, अब हमने ताप को स्थिर रख लिया, दाब को स्थिर रख लिया, तब हम किसको रखेंगे, आयतन को स्थिर रखेंगे। आइए इसको देखते हैं, गेलुसेक लॉ, इसमें द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरी डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि आदर्श गैस की दी गई मात्रा का परम दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जबकि आयतन स्थिर हो। या मैथमेटिकली हम इसको देखें तो हम पाएंगे When P, V, a volume equal to constant, यानी V बराबर constant है तो pressure is directly proportional to the T, दाब जो है वो समानुपाती होगा परम ताप के, T, परम ताप, या फिर से हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो उसकी जगह पर आएगा equal to लगाएं तो constant आता है, equal to into C, तो P upon T बराबर क्या हो जाएगा, constant। तो इस प्रकार से ये तीन नियम हैं, यदि कोई भी गैस जो है टेम्परेचर और प्रेशर की सभी रेंज के लिए इन तीनों नियमों का पालन करें कि जिसमें दाब और आयतन का गुणनफल कांस्टेंट हो, या दाब, आयतन और ताप का अनुपात कांस्टेंट हो, और दाब और ताप का अनुपात कांस्टेंट हो, तो वह एक आदर्श गैस होगी। तो यह हमें तीनों नियम का आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में लिखने के लिए आता है, बॉयल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, गेलुसेक का नियम क्या है। तो ये तीनों नियम लॉज ऑफ परफेक्ट गैस या आदर्श गैस के नियम हैं। अब इन नियमों के आधार पर हम यहाँ पर गैस की समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जनरल गैस इक्वेशन, या सामान्य जो समीकरण कही जाती है गैस की, वो हम जानते हैं कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापक्रम पर, जो सबसे पहला हमने पढ़ा था, According to Boyle's law, T equals to C, a constant, P is inversely proportional to the V, या P is directly proportional to the 1 upon V,
या हम वी को इधर ले आए लेफ्ट में और पी को राइट में ले जाए, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/p. आयतन जो होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती या 1/p के समानुपाती। अब चार्ल्स के नियम के अनुसार हम देखें कि जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, सी इक्वल टू पी होता है, तो वी समानुपाती होता है टी के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये दोनों इक्वेशन से देखिए वी अब किस किस के समानुपाती हो गया, 1/p के भी और टी के भी। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं कंबाइंड रूप से, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी अपॉन पी, या फिर हम लिख सकते हैं इसको पी इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे समानुपाती का, तो इक्वल टू के साथ सी आ जाएगा, तो अब एक तरह से हो जाएगा हमारा पी वी अपॉन टी, यानी प्रोडक्ट अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। या हम इसको लिख सकते हैं P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2, और इस समीकरण को हम बोलते हैं सामान्य गेज समीकरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो तीन नियम पढ़े थे, हम उसमें एक चीज़ को स्थिर करते थे, दो के बीच में संबंध लाते थे, उसके आधार पर हम यहाँ पर आप ये पता कर सकते हैं कि तीनों प्रॉपर्टी में आपस में क्या संबंध होता है, वो हमने यहाँ पर जाना। क्या जाना, रेड कलर से है, देखिए आप, पी इंटू वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, या P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2, ये हमारी सामान्य गेज समीकरण कहलाती है। अब हम देखते हैं लाक्षणिक गेज समीकरण क्या होती है, या करेक्टरिस्टिक गेज इक्वेशन क्या होती है। फॉर 1 kg ऑफ गेस, 1 kg गेस के लिए वी इक्वल टू वी एस, मतलब जो आयतन होगा, चूंकि मास 1 kg हो गया है, तो वी एस क्या हो जाएगा, विशिष्ट आयतन या स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, क्यूबिक मीटर पर केजी। तो अब हम यहाँ पर लगाएं कि हम जानते हैं जनरल गैस इक्वेशन से पी इंटू वी एस अपॉन टी बराबर सी कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट को हम ले लें आर, कैपिटल आर, तो आर इक्वल्स टू पी वी एस अपॉन टी, या पी इंटू वी एस बराबर आर टी, ये कहलाएगी हमारी पी वी एस बराबर आर टी। और यदि m kg ऑफ मास होगा, तो m का दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे, तो m इंटू वी एस मिलकर फिर हो जाएंगे v, तो p इंटू वी बराबर एम आर टी। तो p इंटू वी बराबर एम आर टी यदि m kg मास है, या p वी एस इक्वल्स टू आर टी, इसको हम लाक्षणिक गैस समीकरण कहते हैं। इसमें r जो है, वेयर r इज करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, या लाक्षणिक गैस स्थिरांक कहलाता है, ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, बट एयर के लिए हमको इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, आर की जो वैल्यू होती है 287 जूल पर केजी पर के। अब आप इसमें बोलेंगे कि ये यूनिट कहाँ से आई, तो यहाँ से यूनिट कैसे आई, कि अगर आप आर लें तो पी वी एस अपॉन टी, पी इंटू वी क्या होता है अपना जूल, वी एस है इसलिए पर केजी हो गया, और टेम्परेचर नीचे है इसलिए केल्विन, यहाँ पर देखिए सेंटीग्रेड नहीं है, केल्विन, तो टी हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा और केल्विन में रहेगा। तो R की वैल्यू 287 और यूनिट जरूर याद रखिएगा आप, जूल पर केजी पर के। तो ये थी हमारी करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने, परफेक्ट गैस की प्रॉपर्टीज़। परफेक्ट गैस में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो एयर के लिए दी गई हैं, बट जो वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में ज़रूर जाने कि जैसे करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये लाक्षणिक गैस नियतांक जो होता है आर, ये हर गैस का होगा, बट एयर के लिए ये 0.287 किलो जूल पर केजी पर के। अब आप बोलेंगे अभी अभी हमने पढ़ा 287 जूल पर केजी पर के, तो जूल के साथ आप देखिए के लग गया है, किलो जूल, तो 1000 से भाग लगा देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा 0.287 किलो जूल पर केजी पर के। ये वेरिएबल होता है, परिवर्तनीय होता है, यानी कि हर गैस के लिए ये अलग होता है। वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि इसका एक एयर के लिए बदलता जाएगा, बल्कि हर गैस के लिए अलग होता जाएगा। एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सार्वभौम गैस नियतांक, U बराबर होता है m इंटू आर, जहाँ पर m मोल मास है, और ये कांस्टेंट होता है सभी गैस के लिए, 8.314 किलो जूल पर केजी पर मोल पर के। तो R में नीचे मोल नहीं था, लेकिन मोल m यदि हम 1 ले लें, तो यहाँ m जो है हम पर्टिकुलर गैस का रखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा U की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किलो जूल पर केजी पर मोल पर के, और ये सभी गैसों के लिए कांस्टेंट होता है। दोनों में अंतर क्या हुआ कि U
एक निश्चित वैल्यू है सभी के लिए, जबकि आर हर एक के लिए अलग अलग है। वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि इसी एक के लिए बदलता जाएगा, बल्कि ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। इसके साथ हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सी वी यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इसकी वैल्यू सी वी 0.718 किलो जूल पर केजी होती है एयर के लिए, और सी पी वो था वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा सी पी होती है 1.000 या 005 होती है किलो जूल पर केजी फॉर एयर। ये वैल्यूज यूजली क्वेश्चन के साथ, न्यूमेरिकल के साथ दी जाती हैं। यदि गैस अलग होगी तो इनकी वैल्यूज भी बदलती जाएगी, सी वी की भी बदलेगी, सी पी की भी। लेकिन हाँ, नीचे वाले जो संबंध हैं वो वही रहते हैं सभी के लिए, कि डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब इन दोनों में अंतर देखें, सी पी और सी वी में अंतर, तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर के होता है। आर क्या है, लाक्षणिक गैस नियतांक या करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। जबकि इनका अनुपात जो होता है सी पी अपान सी वी, चूँकि बड़ा सी पी होता है इसलिए सी पी माइनस सी वी है, और इसलिए सी पी अपान सी वी है वो गामा के बराबर होता है। गामा को हम रुद्धोष्म सूचकांक या एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं। एयर के लिए हम 1/0.718 रखेंगे, दिस विल बी √2 आ जाएगा, दैट इज 1.41, दिस इज फॉर एयर। तो इस प्रकार से आदर्श गैस के गुणों के बारे में आपने जाना। गैस यदि अलग है तो ये वैल्यूज अलग अलग होंगी, लेकिन ये जो हमने लिखा है आर यू सी पी सी वी, सी पी माइनस सी वी बराबर आर, सी पी अपान सी वी बराबर गामा, ये सभी गैसेस के लिए यही संबंध रहेंगे या यही वैल्यूज होंगी। आइए अब हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें लिखा है अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.1 क्यूबिक मीटर। एक गैस जो है जो 0.1 क्यूबिक मीटर आयतन लेती है एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1.5 bar, यानी कि दाब 1.5 bar, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस जो जगह घेरती है वो 0.1 क्यूबिक मीटर लेती है। तो क्या क्या हो गया अपने, वी पी और टी। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इफ इट इज कंप्रेस्ड टू अ प्रेशर ऑफ 7.5 bar एंड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.04। कंप्रेस्ड मतलब संपीड़न। जब हम किसी गैस को दबाएंगे तो हम पढ़ चुके हैं अभी कि उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, आयतन कम होगा। तो यहाँ पर इसका प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन आयतन कम हो रहा है। तो अब चूंकि दो है पी वी, तो इसलिए 1, 2 करके लिखेंगे। तो पहले वाले को हमने वी वन लिखा 0.1 क्यूबिक मीटर, टी वन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप याद रखिएगा स्मॉल टी वन है ये, और कैपिटल टी वन या परम दाब के लिए हमको इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा ये 293 के। पी वन 1.5 bar में है, बार को हम क्या करेंगे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में बदलेंगे, तो रिलेशन होता है 10^5 टाइम्स, तो हम इसमें 10^5 का गुणा कर देंगे, 1.5 × 10^5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सिमिलरली पी टू के लिए भी हम 7.5 bar में 10^5 का गुणा कर देंगे, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, और आयतन दिया है दूसरा वाला वी टू 0.04 क्यूबिक मीटर। तो आपको क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर टी टू। तो उपयोगी सूत्र अभी अभी हम पढ़े हैं कि जो हमारी जनरल गैस इक्वेशन होती है वो होती है P1V1/T1P2V2/T2। तो यहाँ पर हम P1 की वैल्यू रखेंगे 1.5 × 10^5 और V1 की इनटू 0.1 टेम्परेचर, हम 20 मत रखिएगा, सवाल में ये गलती हो जाती है, आप उसको कैपिटल T में बदलें, 293 बराबर 7.5 × 10^5 × 0.04/T2। तो यहाँ से T2 को आप लेफ्ट में ले जाएं और लेफ्ट वाले को राइट में लाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 586, बट 586 केल्विन में होगा क्योंकि कैपिटल T2 है। यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो इसमें से अब 273 घटाना होगा और आपको मिल जाएगा 313 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल न्यूमेरिकल आपके परफेक्ट गैस के ऊपर है। तो इस प्रकार से आज के सेक्शन में हमने जाना कि परफेक्ट या आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस के 3 नियमों के बारे में जाना, वायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलुसेक का नियम, गैस समीकरणों के बारे में जाना जिसमें एक जनरल गैस इक्वेशन थी, एक कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन थी, फिर गुण के बारे में जाना आर यू सी पी सी वी और उनमें संबंध सी पी माइनस सी वी बराबर आर या सी पी अपान सी वी बराबर गामा, और हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल इस पर किया। In the next video, we will see thermodynamic processes
या ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो परफेक्ट गैस के जो संबंध दिए हैं इन्हीं पर आधारित है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।